चार साल साथ में रह गई। चार साल साथ में रह गई, मन गया फिर नौकर लगा दूँ, कोई नौकर लगे ही नहीं। देर का मेरे नौकर कहना तो फिर रैंक ले गया। मैं एस पी से मैं फिर भी गिरफ्तार करा दिया। मेरे कोई अभी तक कार्रवाई करी नहीं है, नहीं भी सस्पेंड कर दिया है। मैं जल्दी भी गिरफ्तार करा दिया, असेसमेंट करा दिया, जल्दी गिरफ्तार। डेली मन धमकी देता है, मैं तेरे लड़का मार दूंगा, पिस्तौल ठोकूंगा, खत्म हो जाएगा। कौन है पुलिस वाला, नाम क्या उसका? रेहा तारा। दिन में आज 10 दिन हुआ है मेरे लारे दो गाड़ी बोले रखे पर लार करे, मैं तुम खत्म कर दूंगा। पीड़िता आई थी, कोई पुलिसकर्मी पर आरोप लगा रहे थे शादी का झांसा देने का, सर क्या पूरा मामला था और क्या कार्रवाई की गई आपके ऊपर? देखिए, ये जो महिला है इसने एक पुलिस कांस्टेबल है उसके खिलाफ ये आरोप लगाए कि उसने उसको पहले झांसे में लिया, शादी का वादा किया और उसका शारीरिक शोषण किया। इस पर इसमें प्रकरण दर्ज हुआ था जिसमें इनिशियली महिला ने एक राजीनामा प्रस्तुत किया जिसके आधार पर उस प्रकरण में FIR लगी। उसके बाद ये महिला वापस से पेश हुई और इसका ये कहना था कि साहब ये राजीनामा मुझसे दबाव में लिखवाया गया है और मैं दोबारा जांच चाहती हूँ, जिस पर हमने DYSP रैंक के ऑफिसर को इसकी जांच दी। दोबारा जांच में कांस्टेबल के खिलाफ जो है आरोप प्रमाणित हुए और उसके बाद से जो कांस्टेबल है वो अभी फरार हो गया, हमने उसे निलंबित कर दिया है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। जल्दी उसे गिरफ्तार करके और आगे जो भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।